सर हम सब आम लोगों की नुमाइंदे होने के नाते ये सदन में आने की चर्चा में शिरकत करने की मौका मिलते हम दूर सुदूर गांव से कस्बे से शहरों से चुनकर यह आते हैं सिर्फ चर्चा के लिए आम लोगों की बात रखने के लिए सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए और आम लोगों की जो तकलीफें हैं ये तकलीफों को निवारण करने के लिए हमारा तरफ से जिस हद तक प्रयास होना चाहिए उस हद तक प्रयास करना यही हमारे फर्ज बनते हैं जिम्मेवारी बनते हैं। सर मैं सिर्फ एक विषय अपने सामने रखना चाहते हैं कि जिस दिन ये सदन इस सेशन में शुरू के दिन में आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उस ऑल पार्टी मीटिंग में आपने खुद ये स्वीकारा कि हमारे ये सदन की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी 105% हो चुके हैं ये मतलब खुद एक रिकॉर्ड है। वो विषय के दो आप सर मैं सर ये बोलने दीजिए सर आज कम से कम सर इतने दिन सर जमे हुए हैं मैं किसी को आलोचना करने के लिए सर मेरी अपनी मन की बात करने के लिए सर से प्रधानमंत्री मन की बात करे हम ना करें ये तो ठीक नहीं है सर। तो सर बात यह कि बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी इस बयान की उत्पादकता की जो बयान आपने टीवी में देते हैं हमारे सामने हमारे साथ चर्चा की समय देते हैं इसमें तो ये साफ जाहिर होते हैं कि सारे विपक्ष ये सदन चलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं अगर ना करते तो उत्पादकता की ये आंकड़ा आपको कैसे मिलते। तो सर दूसरा बात ये कहना चाहते हैं सदन में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों पक्ष सारे मेंबरों सारे नुमाइंदे सर आप पे मुरीद है मैं बड़ी दावे के साथ कह सकते सब आपको पसंद करते किस लिए इसलिए कि आप सबको मौका देते हैं हमारे साथ बात रखने के लिए आप काफी समय सदन में भी बिताते हैं आप ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है सर। सर सदन चलाने के लिए आते हैं यहाँ पिकनिक करने के लिए नहीं आते हवा महल में घूमने के लिए नहीं आते हमारे हमारे पास कोई मन तक नहीं है कि वहां जाके हम खड़े वहां जाके गप सप मारे कोई काम करे नहीं सिर्फ सदन ही हमारा लिए हमारे लिए एक काम की एक जगह बनती है। सर आपने जो बात कही है आहत हुए हैं चोट हुए हैं सर मुझे भी सुनकर बुरा लग रहे हैं सदन में न पक्ष न विपक्ष किसी की तरफ से कोई बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीठासीन को या कोई हमारे देश की कोई महान जो पदे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो जो रहते हैं किसी की और हमारे कोई प्रतिष्ठान की कोई चोट पहुंचे क्यों हम ऐसा करेंगे लोग हमें भेजते हैं यहां हमारे कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए ऐसा नहीं सर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गिरवान में झांक के तो देखो पहले गिरवान में झांक कर देखो कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। सर बात यह कि सर हम चाहते हैं शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सर बहाल करने के लिए आप हमें हमें थोड़ा मौका दीजिए क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होते हैं इसलिए मैं चाहते हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए एक रूल्स कमिटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल सत्ता पक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहां नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका जरा सा भी मनसा जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते ये मैं बड़े दबे की कह सकता हूं। अगर आपको चोट पहुंची हो मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे इस विषय में मैं काफी काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा सर ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर
महामहिम के नाम पुकार के, महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम पुकार के अगर कोई मिनिस्टर उनको अपमान करे, ये भी सही नहीं है, ये भी मैं बोलना चाहते सर। हमारे नीलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए सर, हमारे नीलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए सर, आपसे यही मैं गुहार लगाता हूँ, यही मेरा गुजारिश है।